तो देखिए, आज मैंने ये बनाया है डोरमैट। आप इसे चटाई भी बोल सकती हैं, डोरमैट भी बोल सकती हैं। और देखो कितना सुंदर सा, प्यारा सा, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब ये वाले ब्लाउज पीस हैं, देखो, और ये साड़ी का एक टुकड़ा है लंबा, जो मैंने एक कलर का निकाल लिया है, और इसे भी मैं हटा दूंगी, इसकी किनारी को सिर्फ ये कॉफी कलर रखूंगी बस। और ये देखो कुर्ती है, देखो ये कुर्ती है मेरे पास, और ये बचा हुआ कपड़ा है। इन सभी से जो आपको अच्छा लगे उसमें से बहुत ही आसान तरीके से आप डोरमेट बना सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे के पार्ट को लेंगे, क्योंकि जो आगे का पार्ट है देखो ये कड़ा हुआ है, यानी जड़ा हुआ है, तो हम पीछे के पार्ट को लेंगे। ये प्लेन कपड़ा सभी को निकाल लेते हैं इसमें से पहले। ये देखिए मैंने पीछे का पार्ट सभी निकाल लिया है इसमें से, देखो प्लेन वाला हिस्सा। अब इसमें से हम पट्टियां कट करेंगे। थोड़ी सी किनारी को कट करके फेंक देते हैं। इसमें से हम 1.5 इंची की पट्टियां कट करेंगे, सिर्फ 1.5 इंची की। देखिए ये मैंने 1.5 इंची की पट्टी कट कर ली है। अब इसे इधर की साइड से मोड़ेंगे और इधर की साइड से मोड़ेंगे, इस तरीके से। आपकी समझ में आई है? देखो एक बार हम इधर की साइड से मोड़ेंगे इस किनारी को, फिर हम दूसरी किनारी को मोड़ेंगे, फिर हम ऐसे मोड़ेंगे, तो इतनी पतली पतली पट्टियां बनाएंगे। एक मैं आपको मशीन से सिल के दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमें पट्टियां बनानी है। देखिए मैं पट्टी बना के दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने किनारी को बीच में कर लिया है, और बीच में ऐसे भी इस तरीके से मोड़ दिया है मैंने। आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें पट्टियां बनानी है। तो ये पट्टी हम दो चार कलर, अगर आप चार कलर में बनाना चाहती हैं तो चार कलर की पट्टियां बना लें, दो कलर में बनाना चाहती हैं तो दो कलर की पट्टियां बना लें। तो ऐसे ही पट्टियां मैं बना के रख लेती हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपको डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो देखिए मैंने दोनों कलर की पट्टी सिल ली है। अगर आप चार कलर की पट्टी सिलना चाहती हैं तो वो भी इस तरीके से सिल सकती हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इस डोरमेट को या चटाई, कुछ भी इसे आप बोल सकती हैं, तो इसे सिलने के लिए देखो ये मैंने कपड़ा कट किया है, ये मोटा वाला कपड़ा लिया है मैंने, थोड़ा सा बेड शीट का है मोटा वाला। तो अब हम इस पे अपनी डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अपनी पट्टियों को हम लंबी लंबी आकार में सिलेंगे। सभी पट्टियों को मैं आपको एक बार सिल के दिखाती हूँ। ऊपर की साइड में मैंने 2 इंची का गैप रखा है, और इधर की साइड भी मैंने 2 इंची का गैप रखा है। तो यहाँ पर बीच में हमें ये सिलनी है पट्टियाँ। अब दूसरी पट्टी लगाएंगे, इसमें हमें गैप नहीं करना है। अब देखिए तीसरी पट्टी लगाएंगे, मैं एक कलर की पट्टी इस तरीके से सिल लूंगी। तो इसी तरीके से एक कलर की पट्टियों को मैं सिल लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने एक तरफ ये पट्टियां सिल ली हैं एक कलर वाली, अब दूसरे कलर की हमें इस तरीके से सिल ली है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर की साइड हमने सिली है, ऊपर की साइड में
जैसे ही हमें पहले ये नीचे की साइड में सिलनी है, उसके बाद में हम ये पट्टियां सिलेंगे दूसरे कलर की। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इस पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये निशान लगा दिया है, निशान लगा लिया है। अब मैंने अब इसकी बस सिलाई करके दिखाऊंगी आपको। देखिए कोई पट्टी हम ढीली नहीं छोड़ेंगे, जैसे हमने ऊपर वाली पट्टी सिली है सेम उसी तरीके से सिलना है। पट्टियों को सीधा करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। ये निशान हमें सीधा प्रॉपर लाइन में लगाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है। तो ऐसे ही सभी पट्टियों को सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने ये सीधी सीधी सिल ली है। अब क्या करेंगे, अब हम इन पट्टियों को इस तरीके से सिलेंगे एक साइड में, जैसे हमने ये सिली थी वैसे ही सिलना है ऐसे। तो सभी पट्टियों को हम इसी तरीके से सिल लेते हैं पहले एक साइड में। तो देखिए मैंने एक तरफ इसे सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, अब इसे हम एक पट्टी को हटाएंगे और इस तरीके से इसमें डालेंगे अच्छे से, एक उठाएंगे एक दबाएंगे। देखो ऐसे ही लास्ट तक ऐसे ही करना है, एक उठाना है एक पट्टी को दबाना है। देखिए ये मैंने पट्टी सेट कर दी है एक, देखो। तो इसी तरीके से मैं बाकी पट्टियों को भी कर लेती हूँ। अब इस वाली पट्टी में मैंने ये उठाई थी, अब इस वाली पट्टी में मैं इसे दबाऊंगी और इसे उठाऊंगी। जो मैंने पट्टियां उठाई थी उन्हें तो दबाएंगे, जो दबाई थी उन्हें उठाएंगे। लास्ट तक ऐसे ही करना है। देखिए अब क्या करेंगे, जो पट्टी मैंने इसमें दबाई है उसे उठाएंगे। देखो ये मैंने उठा ली है और फिर इसे उठाएंगे। देखो कितनी आसानी से, कितना सुंदर डोरमैट या चटाई आप कुछ भी इस तरीके से बना सकती हैं। अब इसे मैं दबाऊंगी, इसे उठाऊंगी। तो ऐसे ही इसे हम पूरी पट्टियों को डिजाइन में बना लेते हैं। तो देखिए ऐसे इन्हें सेट करके ये दोनों पट्टियों को भी इसी तरीके से हम लगा देंगे। ये मैंने देखो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, ये मैंने इस वाली पट्टी में दबाई थी तो इसमें से मैं दूसरी वाली जो दबी थी उसे उठा लूंगी। फिर ये वाली पट्टी, इसी तरीके से हम दोनों पट्टियों को भी लगा लेंगे सेट करके। तो आप देख रहे हैं मैंने सभी पट्टियों को एक छोड़कर एक दबाकर इस तरीके से मैंने इसकी डिजाइन बना दी है। अब क्या करेंगे, जो इधर की साइड में सिलाई नहीं हुई है तीनों तरफ सिलाई हो गई है, तो अब सभी पट्टियों को क्रम से लगाते जाएंगे और इस पे यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है, यानी ये मैंने देखो सिल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इन्हें थोड़ा थोड़ा सा कट कर देते हैं। ऐसे ही चारों तरफ से कट करेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है चारों तरफ से ये। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ऐसे सिलाई कर देंगे, यानी इस तरीके से इसकी किनारी सेट करनी है। आप दिख रहे होंगे, तो ऐसे ही चारों तरफ इसकी किनारियों को सेट कर लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी किनारियों को सिल लिया है। देखो तो ये मेरा बनके तैयार है।